Hi everyone, welcome back to my channel. So in this video we're going to discuss about the skill test of ICMR assistant exam jo ki abhi hua tha 3rd January 2020 ko. Iska dekhiye phase 1 ka result to abhi tak aaya nahi hai, lekin fir bhi bahut sare aise bacche hain jinko lag raha hai ki wo phase 1 apna bahut easily clear kar lenge, to isliye unko phase 2 ke liye aage badhna padega, uske liye prepare karna padega. Lekin problem ye hai ki notification mein kuch bhi detail mein nahi diya hua hai skill test kaise hoga, right? तो इसलिए मैंने यहाँ पे एक छोटा सा ये वीडियो बनाया है, ताकि एक्चुअली मैंने ICMR का तो नहीं, लेकिन एक बार 2019 में ESICUDC का स्किल टेस्ट दिया हुआ है, तो इसलिए मुझे थोड़ा सा बेसिक आइडिया है कि कैसा आता है और वहाँ क्या क्या करना होता है, क्या चीज़ें पेपर में आती हैं. तो ये सारी चीज़ें हम लोग इसमें आगे डिस्कस करने वाले हैं. ओके, तो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड. सो फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, यूजुअली 3 सेक्शंस होते हैं. देखिए मैं अगेन ये डिस्क्लेमर बोल रही हूँ कि मैंने कभी भी ICMR का कोई भी स्किल टेस्ट नहीं दिया है, बट आई हैव गिवन ESICUDC का स्किल टेस्ट. उस बेसिस पे मैं अपना एक छोटा सा गेस वर्क कर रही हूँ कि शायद ऐसा पेपर आए, और अगर ऐसा नहीं तो थोड़ा बहुत मिलता जुलता या हो सकता है इधर उधर 19-20 हो जाएगा, लेकिन ऐसा ही पेपर, मतलब जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है वो यही होता है. ओके, तो यूजुअली उसमें 3 सेक्शंस होते हैं, MS वर्ड, MS पावर पॉइंट एंड MS एक्सेल. देखिए सबसे पहले आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है, देर इज़ अ लॉट ऑफ डिफरेंस बिटवीन स्किल टेस्ट एंड द टाइपिंग टेस्ट. ओके, तो देखिए टाइपिंग टेस्ट जो होता है वो आपका SSC CHSL वगैरह में होता है, SSC CGL में होता है, राइट? तो एक्चुअली टाइपिंग टेस्ट में क्या होता है कि आपको पूरी स्पीड चाहिए, जो प्रोफेशनल तरीके से कैसे फिंगर्स को फिक्स करके कीबोर्ड के ऊपर टाइपिंग धड़ाधड़ करते हैं, दैट इज़ टाइपिंग टेस्ट. ओके, आपकी स्पीड होनी चाहिए, जैसे बहुत सारे बच्चे हैं, आई डोंट नो 60 वर्ड्स पर मिनट, 90 वर्ड्स पर मिनट, इस तरह की एक स्पीड होनी चाहिए आपकी, तो दैट इज़ टाइपिंग टेस्ट. ओके, लेकिन स्किल टेस्ट इससे बहुत अलग होता है. स्किल टेस्ट में नो मैटर कि आपकी स्पीड कितनी है, या आप कितना फास्ट टाइप करते हैं, आप कितना स्लो टाइप करते हैं, ये टोटली डिपेंड करेगा कि, मतलब ये चीज़ें सिर्फ आपके टाइम को इफ़ेक्ट करेंगी. ओके, अगर आप अभी से प्रैक्टिस करते हैं टाइपिंग की, तो फिर क्या होगा कि आपका टाइम वहाँ पे सेव होगा. अगर आप बहुत ज़्यादा स्लो हैं, बिल्कुल देख देख के एक एक लेटर टाइप कर रहे हैं, तो ये आपके लिए वहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत कर सकता है. और बाकी ऐसा नहीं है कि आपको कोई एक पर्टिकुलर स्पीड चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं है. ओके, तो सबसे पहले ये डिफरेंस मुझे क्लैरिफाई करना था, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को पता ही नहीं होता है कि स्किल टेस्ट और टाइपिंग टेस्ट अलग होता है कि सेम चीज़ होती है. और देखिए यूजुअली ये 45 मिनट्स का होता है, या फिर कम से कम 1 घंटे का, कभी कभी हो जाता है 1 घंटे का. जब मैंने दिया था तो आई गेस उस टाइम पर शायद ये 35 मिनट्स का था शायद, तो ऐसे ही मतलब 30-60 मिनट्स के बीच में रेंज करता है. ओके, तो अब इसके सेक्शंस वन बाय वन करके देख लेते हैं. तो फर्स्ट यहाँ पे हम लोग देखेंगे MS वर्ड. देखिए सबसे पहले एक्चुअली होगा ये कि MS वर्ड आपको खोलना होगा. ओके, और उसके बाद आपको एक सैम्पल दिया जाता है, वो एक पैराग्राफ हो सकता है, आर्टिकल हो सकता है, पैसेज हो सकता है, या फिर कोई लेटर हो सकता है. कोई भी किसी टाइप का आर्टिकल आपको दे देंगे, और वो आपको सेम वैसा ही टाइप करना होता है MS वर्ड में. ओके, तो यहाँ पे देखिए आपकी स्पीड सबसे ज़्यादा मैटर करती है, क्योंकि MS वर्ड में सिर्फ और सिर्फ टाइपिंग का खेला होता है, और बाकी यहाँ पे जो पैसेज होता है वो यूजुअली 100 से 150 वर्ड्स के बीच का होता है, जैसे 125 वर्ड्स भी हो सकते हैं उसमें, 130 भी, मतलब इसी रेंज में होता है यूजुअली. ओके, और इसके बाद देखिए फॉन्ट चेक करते हैं आपका, कि आपको क्या फॉन्ट चेंज करने आता है MS वर्ड में. साइज़ चेक करते हैं, क्योंकि कई बार होता है कि हेडिंग दे देते हैं, फिर सब हेडिंग दे देते हैं, और उसकी साइज़ सब कुछ आपको सैम्पल में स्पेसिफाई होता है, कि जैसे सपोज़ कोई हेडिंग है तो उसमें दिए हैं कि ये आपकी 40 होनी चाहिए, तो वो आपको 40 करनी पड़ेगी. कोई सब हेडिंग है तो वो 32 बोले हैं, तो वो आपको वो करना पड़ेगा. और जो मेन कंटेंट है, सपोज़ उसका 16 बोला गया है, तो आपको 16 करना पड़ेगा. ये सारी चीज़ें आपके सैम्पल में साइड में लिखी होती हैं, तो इसलिए यहाँ पे एक्चुअली बहुत ज़्यादा कॉन्शियस माइंड के साथ करना पड़ता है. अगर आपने कुछ भी मिस कर दिया तो वहाँ पे आपके ऊपर पेनल्टी लगेगी. ओके, ये छोटी छोटी चीज़ों से आपके ऊपर पेनल्टी ऑब्वियसली लगेगी. ये मत सोचिए कि सिर्फ साइज ही तो नहीं चेंज किया है, सिर्फ फॉन्ट ही तो नहीं चेंज किया है, ऐसा कुछ नहीं है, आपके ऊपर पेनल्टी डेफिनेटली लगेगी. ओके, तो ये सारी चीज़ें चेक करेंगे. एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है लाइन स्पेसिंग MS वर्ड में. जब एक्चुअली मैं स्किल टेस्ट की तैयारी कर रही थी, मुझे इस चीज़ में बहुत पता नहीं क्यों इतना दिक्कत हो रहा था, लाइन स्पेसिंग मुझे समझने में बहुत प्रॉब्लम हो रही थी. पैराग्राफ स्पेसिंग एक होता है, लाइन स्पेसिंग, तो मतलब उतना टफ नहीं है कुछ भी, लेकिन आप थोड़ा सा अगर ट्राई करेंगे, थोड़ा सा स्पीड में आएंगे, ये सारी चीज़ें बार बार प्रैक्टिस करेंगे, बहुत ईजिली हो जाएगा, कुछ भी इतना टफ नहीं है. ऑल राइट, सो अगेन इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट दैट यू नो टाइपिंग परफेक्टली एंड हैव अ गुड स्पीड. ये मैंने अभी पीछे बता दिया कि ये आपका स्किल टेस्ट है, नॉट अ टाइपिंग टेस्ट. ओके, तो ये हो गई MS वर्ड के बाद. देन मूविंग ऑन टू
नंबर टू एमएस पावर पॉइंट। अब देखिए पावर पॉइंट में एक्चुअली ये जैसे मैंने अभी स्लाइड्स बनाई हैं इसी तरह की आपको स्लाइड्स बनानी होंगी। और जनरली क्या होता है कि दो स्लाइड्स देते हैं, वैसे मेरे टाइम पे तो दो ही आई थी और मैंने उसके पहले भी जितने सैम्पल देखे थे अदर एग्जाम्स में उसमें भी शायद दो ही स्लाइड्स देते हैं, क्योंकि टाइम उतना होता नहीं है कि आप 3-4-10 स्लाइड बना सकते हैं, दो स्लाइड देते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये होती है कि उसी में आपका सारा नॉलेज वो टेस्ट कर लेते हैं। सपोज़ सबसे पहले फ्रंट स्लाइड आपकी होगी, उसमें वो हेडिंग दे देंगे कि आपको इस साइज़ की, इस फॉन्ट की और ऐसे ऐसे करके हेडिंग डालनी है, और फिर उसके बाद आगे का कंटेंट रहेगा, राइट। तो कई बार होता है कि जो सेकंड स्लाइड होती है उसमें आपको एक टेबल इंसर्ट करने को बोल देते हैं कि सपोज़ 2:3 की आप एक टेबल बना लीजिए, दो कॉलम्स और दो रोज़ या फिर तीन, मतलब कैसे भी करके। तो अगर आपको टेबल इंसर्ट करना आता है तो वेल एंड गुड, आराम से हो जाएगा और ये बहुत ईजी होता है, आप जानते ही हैं। तो जिन लोग को एमएस पावर पॉइंट नहीं चलाना आता है तो थोड़ा सा आप प्रैक्टिस करिए, बहुत आराम से हो जाएगा, कुछ इतना टिपिकल नहीं है। आप बस बातों से लग रहा होगा कि ये क्या चीज़ें हैं, लेकिन हो जाएगा, बहुत ईजिली हो जाएगा, ट्रस्ट मी। उसके बाद अगेन इसमें भी वही होता है कि अलाइनमेंट, फॉन्ट, बोल्ड, इटैलिक्स, अंडरलाइन, फुटर, हेडर, ये सारी चीज़ें चेक करते हैं। देखिए फुटर बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ याद रखिएगा, क्योंकि जब हम पावर पॉइंट बनाते हैं यूजुअली हम नीचे नहीं देखते हैं, ध्यान नहीं देते हैं, और फुटर में यूजुअली वो जैसे पेज नंबर डलवा देते हैं, 1-2। मेरे साइट में जब मैंने दिया था तो उस टाइम पे इन्होंने पेज नंबर डलवा दिया था, नीचे 1 डालिए और अगले वाले पे 2 डालिए, ओके। तो ये सारी चीज़ों से बस ये टेस्ट होता है कि आपको क्या पता है फुटर कैसे ऐड करते हैं, राइट। तो ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। और इसके अलावा देखिए एक बहुत इंपॉर्टेंट बात ये है कि जो एमएस पावर पॉइंट होता है, और एक्चुअली शायद तीनों ही में होता है, एमएस वर्ड, एमएस पावर पॉइंट और एक्सेल, तीनों में ये चीज़ करनी होती है कि आपको एक बॉक्स बनाना होगा, टॉप मोस्ट राइट कॉर्नर पे एक बॉक्स बनाना होगा और उसमें आपको अपना रोल नंबर लिखना होगा और नाम लिखना होगा, शायद ये दोनों चीज़ लिखते हैं, जो भी लिखना होगा वो वहाँ पे स्पेसिफाई करेंगे कि आपको क्या लिखना है, ऑलराइट। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और प्लीज़ ये मत सोचिए कि इसके लिए आपको कोई अलग से टाइम मिलेगा, आपको ये सारी चीज़ें उसी टाइम के अंदर करनी है, ओके। तो ये हो गई पूरी एमएस पावर पॉइंट की बात। उसके बाद है एमएस एक्सेल। देखिए यू विल बी गिवन अ टेबल टू क्रिएट, इसमें क्या होता है कि एक टेबल देते हैं। तो आप सोच रहे होंगे कि एमएस पावर पॉइंट में भी टेबल बनवाई, अब एक्सेल में क्यों टेबल बनवा रहे हैं? तो देखिए एक्चुअली ये टेबल अलग होती है। ये इस टेबल में सपोज़ आपको दे दिए कि किसी कंपनी का नाम एक्स वाई जेड, ठीक है, उसके बगल में दे दिया नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़, उसके बगल में दे दिया इन्होंने कितने दिन काम किए हैं, ओके। अब उसके बाद क्या होगा कि ये मैथमेटिकल ऑपरेशंस करवाएंगे आपसे। एक्चुअली एक्सेल जब हम यूज़ करते हैं तो उसका बेसिक फंक्शन सिर्फ और सिर्फ टेबल का नहीं होता है, उसमें हम लोग बहुत सारे ऑपरेशंस कर सकते हैं, सपोज़ एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, इसको इससे डिवाइड करना है, ऐसा कोई फॉर्मूला लगाना है, ये सारे फॉर्मूले, बेसिक फॉर्मूले होते हैं एमएस एक्सेल में, इफ़ यू डोंट नो, ओके। तो वहाँ पे क्या होगा कि आपको एक टेबल दे देंगे, और ऑब्वियसली आपके पास इतना टाइम तो है नहीं कि आप कैलकुलेटर भी नहीं है आपके पास, तो इतना टाइम तो रहता नहीं है कि आप बैठ के कैलकुलेट करेंगे, सारा निकालेंगे, उसके बाद टेबल भर देंगे। तो एक फॉर्मूला जो होता है वो आप ऊपर हेडिंग में जब आप डालेंगे, बगल के सेक्शन में, बगल के कॉलम में उसके, तो वो अपने आप ही सारा का सारा डेटा अपने आप आ जाएगा सॉल्व होके, ओके। तो ये चीज़ें इसे टेस्ट करते हैं। तो बाकी इसमें और कुछ नहीं होता है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसमें जो टेबल आपने बनाया है बाद में, मतलब सपोज़ 2-3 मैथमेटिकल ऑपरेशंस इन्होंने करवाए आपसे और उसके बाद बोला कि अब आप इसका एक ग्राफ बनाइए, बार ग्राफ बोल देंगे, पाई चार्ट, लाइन चार्ट, कुछ भी दे देंगे, तो आपको पता होना चाहिए कि एमएस एक्सेल में हम चार्ट भी बना सकते हैं, बहुत अदर अदर टाइप्स के चार्ट बनते हैं, उसमें मिक्स चार्ट भी कई बार बन जाता है ना। तो उसका आपको चार्ट एक बनाना होगा और उस चार्ट के बहुत ज़्यादा वेटेज नंबर होते हैं उसके, प्लीज़ रिमेंबर कि बहुत ज़्यादा उसका हाई वेटेज होता है। और मेरे टाइम पे मैंने ये गलती एक्चुअली की थी, इसलिए मुझे बहुत अच्छे से याद है कि एक्चुअली मैं टेबल अपना बना रही थी और मेरे जो मैथमेटिकल कैलकुलेशन थे वो आ नहीं रहे थे, शायद मेरे फॉर्मूले में कुछ मिस्टेक हो रहा था बार बार, तो उस चक्कर में मैंने जो चार्ट था वो मैंने ड्रॉ करना मैं भूल गई थी लास्ट में, तो इस वजह से मेरे काफ़ी नंबर उसमें कट गए थे। तो प्लीज़ रिमेंबर कि आपको वो चीज़ें करके और चार्ट ज़रूर बनाना है, विदाउट चार्ट आपके बहुत नंबर कट जाएंगे अदरवाइज, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट एक एस्पेक्ट है एमएस एक्सेल का, दैट्स वाई, ओके। तो आई होप यू हैव नाउ थिंग्स क्लियर इन योर हेड अबाउट एमएस एक्सेल ऑल्सो। सो ये हो गई तीनों चीज़ों की बात। और देखिए मैं नेक्स्ट वीडियो में एक थोड़ा सा स्ट्रैटेजी वीडियो मैं बनाऊंगी स्किल टेस्ट के ऊपर कि आपको कैसे आगे प्रोसीड करना चाहिए। और देखिए एक चीज़ और होती है कि 35 और 40 मिनट्स आपको वहाँ पता भी नहीं चलेंगे, कितनी जल्दी बीत जाएंगे। मतलब व्हेन आई वाज देयर कि सबसे पहले मैंने एमएस पावर पॉइंट स्टार्ट किया था और जब मुझे लगा मैं बहुत अच्छा कर रही हूँ, क्योंकि मैंने प्रैक्टिस भी की थी पहले से बहुत ज़्यादा, तो मुझे लगा था मैं बहुत अच्छा कर रही हूँ। और उसके बाद जल्दी जल्दी सब टाइप करने के बाद जब दो स्लाइड मेरी बन गई, उसके बाद जब मैंने टाइम देखा इट वॉज 20 मिनट्स अप, मतलब मजाक हो रहा था, 20 मिनट्स ख़त्म और मेरे पास सिर्फ और सिर्फ 15 मिनट थे वर्ड और
और वो एक्सेल करने के लिए, तो इस वजह से मेरी एक्सेल में थोड़ी दिक्कत हो गई थी। एमएस वर्ड तो हो गया था लेकिन एक्सेल लास्ट में थोड़ा इसलिए छूट गया था। तो इसलिए मैं एक स्ट्रेटेजी वीडियो लेकर आऊँगी कि आपको कैसे इसमें प्रोसीड करना चाहिए, कौन से सेक्शन आपको पहले अटेम्प्ट करना चाहिए, कौन सा सेक्शन बाद में अटेम्प्ट करना चाहिए, क्योंकि ये भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है फिर आपकी परफॉर्मेंस को, वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें मैटर करती हैं। तो इसलिए एक वीडियो हम लोग बनाएंगे, एक लेकर आएंगे वीडियो, उसमें ये सारी बातें हम लोग डिस्कस कर लेंगे। ऑल राइट, और इसके अलावा देखिए रिजल्ट तो अभी आया नहीं है, तो ऑल वी कैन डू इज़ जस्ट टू वेट। ओके, तो बस वेट करते हैं और देखते हैं रिजल्ट कब आता है। लेकिन जिन लोगों को लग रहा है कि उनका फेज़ वन डेफिनेटली क्लियर होने वाला है, प्लीज़ वो लोग बिल्कुल भी वेट नहीं करें। ये एक छोटी सी वीडियो है जिससे आपको एक आइडिया लग चुका है कि आपको क्या पढ़ना चाहिए क्या नहीं पढ़ना चाहिए, तो प्लीज़ जस्ट गो ऑन। ओके ओके, और इसके अलावा आपको अगर कोई भी कन्फ्यूज़न है अभी भी, कोई भी डाउट है, तो यू कैन ऑलवेज आस्क मी इन द कॉमेंट सेक्शन बिलो। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल द एंड, एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, एंड येस स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट वीडियो। ओके, बाय बाय।